आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग करी की रेसिपी। और जैसा कि टाइटल में मेंशन है, इस एग करी बनाने के लिए ना आपको अंडों को उबालना पड़ेगा ना फ्राई करना पड़ेगा, इसलिए इसमें आपकी मेहनत तो काफी बचेगी ही, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, काफी अच्छी बनती है। तो आप इस तरह से एक बार एग करी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस एग करी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडों को तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया बारीक कटी हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा प्याज। सबसे पहले हम एग पोच बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने कड़छी लिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। आप कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ये ज़्यादा अच्छी बनती है। और तेल को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। इसके ऊपर से जो भी मसाले और धनिया मिर्च प्याज है वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट अंडे को इसमें तोड़ कर डाल सकते हैं, आप मेरी तरह उसे एक कटोरी में तोड़ के ऐड कर लीजिए, बस उसे मिक्स नहीं करना है। वैसे मैं बता दूँ, ये एग पोच मेरा भाई बना रहा है, क्योंकि वही इससे बहुत अच्छे से बनाता है। यहाँ पर एग पोच को आपको लो फ्लेम पर कुक करना है और आप इस तरह से करछी को घुमाते भी रहिए ताकि ये चारों तरफ से इवनली कुक हो जाए। नीचे की तरफ से जब ये पक जाए तो हम इस तरह से एक चम्मच की मदद से इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम कुक कर लेंगे। इसे हल्का हल्का प्रेस भी करते रहिए। और ये एक पोच रेडी। और मैं आपको एक और दिखा दे रही हूँ, तो फिर से आपको थोड़ा सा तेल डालना है, उसे चारों तरफ फैला देना है। फिर एक कटोरी में अंडा तोड़ के आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसके ऊपर से जो भी प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए। वैसे अगर आपको अपना योग थोड़ा लिक्विडी पसंद है तो आप इसे थोड़ा कम ही कुक करें, और अगर आप चाहें तो इस एग पोच को ऐसे ही खा सकते हैं एज इट इज़। ऐसे ये बहुत अच्छा स्नैक है, या फिर आज जैसे मैं इसकी एग करी बना रही हूँ वैसे भी बनाकर आप इसे खा सकते हैं। तो ये दूसरे साइड फ्लिप कर दिया और दूसरे साइड से भी इसे कुक कर लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा एग पोच भी रेडी हो चुका है और इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 एग पोच बना लिए, मतलब मैंने नहीं बनाया, मेरे भाई ने बनाया है। और अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी और वो मैं ही बनाऊंगी। तो इस एग करी के मसाले के लिए जो भी मसाले जाने उसे मैं पहले एक अलग बोल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते उतना ऐड कर लीजिए, 1 छोटी चम्मच मीट मसाला और 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और इन सभी में मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट टाइप का बना लेंगे। तो ये मसाला अब रेडी है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च। वैसे मेरी मिर्ची का स्टॉक खत्म हो गया था तो मेरे पास छोटी छोटी बची है, अगर आपके पास बड़ी है तो आप 2 ही यूज़ कीजिए। 1 छोटी चम्मच जीरा। जब अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते। इस समय प्याज में मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। नमक डालने से प्याज हमारे जल्दी पकेंगे। और अभी हमें प्याज को ढक ढक के भुनना है। ढक के भुनने से हमारे प्याज जल्दी कुक भी हो जाएंगे, इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। जैसे आप ढक दीजिए, लेकिन इसे बीच बीच में जलाते ज़रूर रहिए। यहाँ पे प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। तो अब प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था। और अभी हमें इस मसाले को अच्छी तरह से खुले में भूनना है, अभी कवर इसे नहीं करना है जब तक कि ये कढ़ाई के साइड्स ना छोड़ दे। और इसी स्टेज पे अब मैं फाइनल नमक ऐड कर दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। तो ये
मसाला भी अब यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से भुन चुका है, साइड्स को आप अपने छोड़ रहा है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए। मैं ये एग करी चावल में के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा ही रखा है। अगर आप रोटी के लिए बना रहे तो थोड़ा सा ग्रेवी आप कम रख सकते हैं। पानी डाल के हम इसे कवर करके इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे अब इस ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, तो जो हमने एग पोच बनाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अंडों के साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले को भी इस एग करी में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और अभी हम इसे एग करी को बस 4 से 5 मिनट के लिए और कुक करना, ताकि जो भी ग्रेवी का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से अंडों के अंदर चला जाए। तो इसे हम ढक के बस 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और ये एग करी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब करते हैं इसे प्लेट। तो ये मुझे इस कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैं इसी में इसे सर्व कर दे रही हूँ। और इससे मैं थोड़ा सा कटे हुए हरे धनिया के साथ गार्निश कर दे रही हूँ। तो ये बिना बॉइलिंग और फ्राइंग के झंझट वाला एग करी बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आपने नहीं किया, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और जिन लोगों को फ्राई करना या बॉयल करना मुश्किल लगता है एग करी बनाने में, उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।